हेलो दोस्तों, टेक्निकल आमेर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फेरारी पोर्टोफिनो कार का मॉड इंस्टॉल करने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसे दिखाई देगा, इसको चेक कीजिए। चेक करने के बाद एड ऑन का फोल्डर आएगा, इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद फाइल्स में जाइए, उसके बाद GTFI मेन फोल्डर को ओपन कीजिए। GTFI मेन फोल्डर को ओपन करने के बाद मॉड्स में जाइए, उसके बाद अपडेट x64 DLC पैक्स, उसके बाद यहाँ एक नया फोल्डर क्रिएट कीजिए। इस फोल्डर का नेम आपको टाइप करना होगा FPINVO। FPINVO एक फोल्डर क्रिएट करने के बाद एक्स्ट्रा किया हुआ फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ DLC RPF दिख रहा है ना, इसको अभी क्रिएट किया हुआ फोल्डर पर ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ इंस्ट्रक्शन का एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आइटम DLC पैक्स FPINVO आइटम दिख रहा है ना, उसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद ओपन एवी को ओपन कीजिए। ओपन एवी ओपन होने के बाद एडिट मोड पे क्लिक कीजिए, यस। उसके बाद मॉड्स में जाइए, उसके बाद अपडेट RPF कॉमन डाटा, उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ DLC List XML का टेक्स्ट दिख रहा है ना, उसको राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ लास्ट में कॉपी किया हुआ टेक्स्ट को पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद सेव कीजिए। बस दोस्तों, इतना ही आपको करने का। चलो अब GTFI ओपन करते हैं। तो दोस्तों, GTFI ओपन करने के बाद आप कौन सा भी ट्रेनर यूज कर सकते हो। यहाँ आपको मैनुअली टाइप करना होगा। आपको टाइप करना होगा FPINVO, एंटर कीजिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कार आ चुकी है। मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।